आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो में इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाकर वीडियो बना सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आप किसी भी तरह का वीडियो बिना अपना चेहरा दिखाए बना सकते हैं। और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत हर एक वीडियो में पड़ता है, चाहे आप किसी चीज को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाकर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करके किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। अब मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है उसमें उतना ज्यादा फीचर नहीं होता है, उससे आप अच्छा वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना आ जाता है तो आप किसी भी तरह का वीडियो आसानी से बना सकते हैं, किसी भी हार्ड से हार्ड चीज को आसानी से समझा सकते हैं और आपको चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक चैनल ओपन कर लिया जिसमें आप एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो उसमें बस आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना सकते हैं, आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक फोटो एडिटर ऐप के बारे में बता रहे हैं, तो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए और बताइए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटर एप्लीकेशन है, इसमें आप अपना फोटो डालेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर ऐसे करेंगे और आपका फोटो एडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ आप अपना आवाज का यूज करके और अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके आप एक पूरा का पूरा चैनल खड़ा कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप YouTube का कोई सेटिंग समझाना चाहते हैं, YouTube के ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप समझा सकते हैं कि दोस्तों अगर आपको अपने चैनल में सेटिंग करना हो तो यहां पर आपको क्लिक करना है, फिर यहां पर आपको क्लिक करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जब आप किसी भी चीज को बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लोगों को नॉर्मल जो समझ में आता है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वही चीज समझाएंगे तो कई गुना ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और किसी भी तरह का वीडियो आप बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज मुझे एक वीडियो बनाना है और मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कपड़ा मेरा अभी खराब है, मुझे जल्दी में वीडियो बनाना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एडिटर ऐप के बारे में बताने वाला हूं, इसमें आपको वीडियो ऐसे डालना, यहां से कट करना, यहां से एडिट करना है, 4 से 5 मिनट के अंदर एक वीडियो तैयार हो जाएगा, ना मुझे कैमरा सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे माइक को सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे खड़ा होना, ना तैयार होना है, हमारा वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सही से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप किसी भी तरह का चैनल खड़ा कर सकते हैं, आपको चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। कहानी का चैनल हो गया, एप्लीकेशन का चैनल हो गया, अर्निंग का चैनल हो गया, यूट्यूब टिप्स ट्रिक का चैनल हो गया, किसी भी तरह का चैनल आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खड़ा कर सकते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन की भी जरूरत है, क्योंकि प्ले स्टोर में तो हजारों एप्लीकेशन है लेकिन सभी एप्लीकेशन यूट्यूबर के लिए नहीं है, यूट्यूबर के लिए सिर्फ 1-2 एप्लीकेशन है जिससे आप अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसमें से भी जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, जो सभी एप्लीकेशन का बाप है, उसका नाम है एजड स्क्रीन रिकॉर्डर। अब इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आप सभी फीचर को आसानी से यूज कर सकते हैं, मतलब आपको सभी फीचर का फुल कंट्रोल मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करना होगा, एक बार आप सेटिंग कर लीजिए उसके बाद जब आप चाहें तब सिर्फ एक क्लिक में अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन को ओपन करना है, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब नंबर 1 पर आपको वीडियो रेजुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो वो फुल HD में हो, मतलब स्क्रीन पे जो भी चीज लिखा होता है वो HD में रिकॉर्ड हो, एकदम से क्लियर रिकॉर्ड हो, तो यहां पर आपको 1080p फुल HD का जो ऑप्शन है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा यहां पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन है, तो यहां पर आप अपने हिसाब से वीडियो का क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना आपको लो क्वालिटी चाहिए, हाई चाहिए, लेकिन आप ऑटो रखेंगे तो ऑटो भी सही है, मैंने ऑटो कर दिया है। उसके बाद यहां पर आपको ऑडियो सोर्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप अपना आवाज भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि फोटो कैसे एडिट कर रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं उससे अगर आप आवाज भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहां पर आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन है, इससे सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आवाज भी रिकॉर्ड हो, साथ ही मोबाइल में जो आवाज आए, मतलब मोबाइल में जो आवाज होता है, अगर मोबाइल में आप किसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो वीडियो का आवाज भी रिकॉर्ड हो, साथ ही जो आप बोल रहे हैं वो आवाज भी रिकॉर्ड हो, मतलब मोबाइल का आवाज रिकॉर्ड हो, मेरा भी आवाज रिकॉर्ड हो, तो जो आपको नंबर 4 पर ऑप्शन मिलता है इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन, इसे अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो मोबाइल में जो आवाज होगा वो भी रिकॉर्ड होगा, और अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर आप कुछ नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो नंबर 1 पर जो म्यूट का ऑप्शन है, आप म्यूट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है, ब्रश का। ब्रश वाला ऑप्शन क्या काम करता है, जब आप ब्रश वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे उसके बाद अगर आप मान लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी चीज को ऐसे
पॉइंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऐसे आप पॉइंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है, ऐसे निशान लगा सकते हैं। मतलब स्क्रीन पे कुछ अगर ड्रॉ करना है तो आप ब्रश वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा ब्रश आ जाएगा। उसके बाद यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आप अपने जरूरत के हिसाब से चालू बंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे जहां जहां पर आप टच करें वो टच भी दिखाई दे, तो यहां पे शो टच का ऑप्शन है, इससे भी आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद होगा क्या कि अगर आप किसी ऑप्शन पे टच कर रहे हैं तो वो टच भी दिखाई देगा कि आपने यहां पे टच किया। अब इतना सेटिंग करने के बाद अगली बार से जब भी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस यहां पर जो आपका एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है, एक बार आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बगल में आप देख सकते हैं सभी यहां पे सेटिंग आ चुका है, और इस बगल में आप देखेंगे तो ब्रश का भी ऑप्शन आ गया। तो अब आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, एक बार अगर आपने सेटिंग कर दिया तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू करने के लिए आप इस जो कोने में ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक वीडियो जैसा ऑप्शन बना हुआ है नंबर एक पर, और जैसे ही आप वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। देखिए 3, 2, 1 लिख रहा है, और जैसे ये लिखेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं अब हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। अब आप जो भी यहां पर करेंगे, जो भी स्क्रीन पे आप करेंगे तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, अर्निंग एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो सिंपल जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर अपना आप स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कीजिए और यहां पर आप बोलना शुरू कर दीजिए, दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है आराम से आप एप्लीकेशन को ओपन कीजिए कि दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन है, आराम से जो भी एप्लीकेशन या फिर प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, आपको ये लिखकर सर्च करना है, सर्च करेंगे एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं किसी चीज को मार्क करना है तो ब्रश पे क्लिक कीजिए, यहां पर देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं डेटा सेफ्टी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप मार्क भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल, अगर आप टच वाला आपने इनेबल किया होगा तो जहां जहां पर आप टच करेंगे वो वहां पर टच भी दिखाएगा। तो इस तरीके से अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप बना लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाने के बाद ऊपर आप देखेंगे स्टॉप का ऑप्शन है, जैसे आप स्टॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर था, जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो वीडियो के जैसा यहां पर आ जाएगा। अब वीडियो के जैसा आ गया तो आप किसी भी एडिटर एप्लीकेशन में जाइए, अगर आप अपने वीडियो के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही वीडियो बनाना चाहते हैं, चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो एक प्लेन बैकग्राउंड लगाइए, उसके ऊपर आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, और आवाज तो आपने पहले से डाल ही रखा होगा स्क्रीन रिकॉर्डर में, और उसमें आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा जो आपको एडिट वगैरह करना एडिट वगैरह कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करके, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके किसी भी तरह का वीडियो बना सकते हैं, किसी भी तरह का चैनल ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप इस स्पेशल ओरिजिनल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी फीचर आपको मिल जाएगा जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। लोग अक्सर कमेंट करते थे कि इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्डिंग बगल में लगाकर हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हैं, मुझे कहां पर ये एप्लीकेशन मिलेगा, तो सारा जवाब मैंने आपको दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।